हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर टू, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट थ्री। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमने टेस्ट परफॉर्म किए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पर। फिर उसके अलावा हमने कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज पढ़े थे फ्रॉम बोथ लाइक प्लांट सोर्सेज एज वेल एज, फिर हमने फैट और प्रोटीन के प्लांट एज वेल एज एनिमल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हम विटामिन के फंक्शन पढ़े थे कि वो क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को, दांतों को मजबूत बना के रखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जो हमारे विटामिन है, विटामिन ए डी ई के, ये सभी के कौन से विटामिन हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। कौन से? फैट सोल्यूबल। ये फैट में क्या है? सोल्यूबल। तो इन विटामिन पे क्वेश्चन आता है। विटामिन ए डी ई के फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये घुलनशील होते हैं फैट में, तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है बच्चों, इसके अलावा विटामिन बच्चे कौन से, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी एंड सी ये क्या है, ये हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ये कई बार पूछा जाता है आपसे कि फैट सोल्यूबल कौन से हैं और वाटर सोल्यूबल कौन से हैं। आज बच्चों हम मिनरल्स से पढ़ेंगे, मिनरल्स का हमारे शरीर में क्या योगदान है, कैसे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। तो मिनरल्स हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, बस थोड़े सी मात्रा में चाहिए। ईच वन इज़ असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो बच्चों, ये हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज़ ये हमारे शरीर को बनाए रखने में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो बच्चों, यहाँ पर 2.10 में कुछ मिनरल्स के बारे में बताया गया है, तो 2.10 पर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन क्या है? मिनरल है। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? आयोडीन हमें फिश से मिलता है और पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, अदरक से मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, आयोडीन का सोर्स क्या है? जिंजर, फिश, और आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कुछ पत्तेदार सब्जियाँ लाइक स्पिनच, और यहाँ से हमें क्या मिलता है? आयोडीन। और अगर बात की जाए फॉस्फोरस की, किसकी? फॉस्फोरस की। बच्चों ये पता होना चाहिए आपको, फॉस्फोरस के कौन से हैं? केले में फॉस्फोरस होता है, राइस में, ग्रेन्स में, मिल्क में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप साथ प्रोनाउंसिएशन भी बोलते जाना ताकि आपको बोलने में इजी रहे। आयोडीन, फिर क्या है? फॉस्फोरस, फिर क्या है? आयरन, लोहा। अभी ये आप दूसरा लोहा मत समझना जो आप चेयर वगैरह में लोहा देखते हो, हमारे शरीर में ब्लड में भी कुछ अमाउंट में आयरन होता है। ठीक है, तो आयरन, लोह तत्व, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा लोह तत्व हमें पालक से मिलता है, प्लस हमें जो एप्पल है वहाँ से, लीवर मतलब कुछ एनिमल्स के जो लीवर है वहाँ से भी हमें आयरन मिलता है, फ्रूट से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हमें पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। तो आप ये ध्यान रखना बच्चों, इनके सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स, कैल्शियम चाहिए तो हम किस सोर्सेज को देखेंगे? मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, प्लस एग में कैल्शियम होता है। तो ये सोर्सेज हो गए मिनरल्स के। ठीक है, ये मिनरल्स क्या करते हैं? ये भी हमारे शरीर की ग्रोथ और बहुत सारे हमें हेल्दी बनाए रखने में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो पहली क्या कह रही है? अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि विटामिन डी हमें सनलाइट के द्वारा भी मिल जाता है, हमारे शरीर में ये सनलाइट के द्वारा भी बन जाता है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जरूरी नहीं कि एक फूड आइटम में एक ही न्यूट्रिएंट हो, वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल हो सकता है उसके अंदर। जैसे फिश है, फिश में प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, तो इसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हुआ कि नहीं हुआ? यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हावर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। लेकिन ये बात जरूर है कि एक उसमें एक प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट में जो दो या तीन न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और वही मेन माना जाता है। जैसे
एग है, एग में क्या है, बहुत ही मात्रा में सिर्फ प्रोटीन मिलता है। फिश में ऑयल भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है, प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर्स। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। तो राइस क्या है, ग्रेन, ग्रेन में आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। देन वी कैन से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड। तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ग्रेन्स को लेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स फाइबर्स। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइट्री फाइबर्स क्या होता है। देखो, हम खाना खाते हैं, खाना जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ फूड में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रेशे क्या करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, एज वेल एज ये हमारे शरीर में भोजन को एक बेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड वाटर, डाइट्री फाइबर आल्सो नोन एज रफेज, एंड रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड। जैसे अभी आप हरी सब्जियां खाते हो, तो आप कच्ची सब्जी को खाते हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाजर खाई, गाजर में जो रस है वो तो आपके अंदर चला गया, लेकिन जो उसका जो स्टफ होता है वो क्या है, वो रफेज ही तो है। वो आपको एक आपका, आप जूस पीते हो, आप जूस पीने के बाद अपना पेट आपको खाली लगता है, लेकिन अगर आप गाजर को खाते हो तो गाजर खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि उसमें जो रफेज होता है जूस के साथ, जो उसका रॉ मटेरियल होता है, वो आपके अंदर आपके फूड को एक बेस प्रोवाइड करता है। तो रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड्स। तो बच्चों यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो ये सभी क्या है, पोटैटोज, होल ग्रेन्स, सभी सोर्सेज है किसके, रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, इससे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, बस बेस मिलता है। पुट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड ऐड टू इट बल्क। ये जस्ट हमारे फूड को एक बल्क भारीपन देता है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इस तरह से हमारी बॉडी में जो रफेज होती है वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में मदद करती है। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने रफेज के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ सोर्सेज के बारे में, पढ़ चुके हैं मिनरल्स के, तो अब हम आगे पढ़ेंगे वाटर के बारे में, वाटर के क्या फंक्शन है। तो बच्चों वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो बच्चों ये सभी हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, फंक्शन है किसके, वाटर के। ठीक है, तो बच्चों ये सभी क्या है, फंक्शन है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट है, वाटर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, प्लस यह हमारी बॉडी से वेस्ट को भी बाहर निकालता है। किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में या फिर पसीना, स्वेट क्या होता है, पसीने की फॉर्म में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। वाटर हमें और भी सोर्सेज से मिलता है, जैसे चाय होगी, मिल्क हो गया। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक फूड, और एज वेल एज हम वाटर को दूसरे अपने खाने को पकाने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेट सी इफ़ देर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आर बॉडी। तो हम देखते हैं और कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें वाटर मिलता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसको ज़रूर पढ़िएगा, और यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उसको खास तौर पर शार्प आईज से उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।